जोहार मास्टर जी, राहुल की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, और बताइए क्या है हालचाल अपनी खेतीबाड़ी का? खेतीबाड़ी का नया नया हाल समाचार तो राउठिन रहला, तो राउरे बताओ नया नया खबर के। अच्छा, घर परिवार का हाल समाचार तो ठीक है? सब एकदम बहुत बढ़िया मास्टर जी। तो फिर देखिए, हमारे किसान भाई भी बेचैन होंगे और जानना चाहते होंगे खेतीबाड़ी का हाल, एकदम। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान भाइयों। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले देखते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। परती भूमि पर लगाए जा रहे हैं फलदार वृक्ष। कृषि संगोष्ठी में किसानों ने पाया कृषि समस्याओं का निवारण। हिल पर बुआई कार्य को आसान करता है नवीन डिबलर। राज्य में परती भूमि काफी मात्रा में है, ऐसी भूमि का सदुपयोग हो सके इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन ऐसी भूमि को चिन्हित कर उसमें फलदार वृक्ष एवं अन्य पेड़ लगाती है, जिससे राज्य के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के अनुपयोगी परती भूमि से भी यहां के किसान लाभान्वित हो सके, साथ ही साथ ऐसी भूमि का विकास भी हो, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी भूमि में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष और हल्दी अदरक जैसे अनेक प्रकार के पौधे लगाती है, जिससे प्रति भूमि का सदुपयोग भी होता है और किसान लाभान्वित भी होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में विगत 10 अक्टूबर को किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में आसपास के गांवों और स्थानीय किसानों ने भाग लिया। किसानों ने उपस्थित कृषि विशेषज्ञों से अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का निवारण पाया, साथ ही अपने खेतीबाड़ी संबंधी अनुभव दूसरे किसानों से बांटे। इस संगोष्ठी में खेतीबाड़ी, पशुपालन और बागवानी इत्यादि विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। आने वाला मौसम सर्दी का है, तो किसान भाई सर्दियों में लगाने वाले फसलों की तैयारी कर रहे होंगे। जो किसान इस मौसम में टमाटर लगाना चाहते हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञ द्वारा सुझाया उन्नत प्रभेद है पूसा द्वारा विकसित सभी प्रभेदों के अलावा स्नेहलता और रक्षिता। इन प्रभेदों को लगाकर किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्नेहलता, रक्षिता और पूसा द्वारा विकसित सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। ये प्रभेद मुख्य रूप से जाड़े में लगाने योग्य होते हैं। मुख्य फसल के लिए 500 से 700 ग्राम बीज एक हेक्टेयर में बुआई के लिए पर्याप्त होता है। सिंचाई, निकाई और आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। पूसा से निकलने वाली बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो आप उसमें स्नेहलता, रक्षिता ये सारी प्रजातियां ले सकते हैं। और उसकी नर्सरी डालने का उचित समय सितंबर के लास्ट वीक में आप उसकी नर्सरी डाल दीजिए। जब पौधा आपका 25 से 30 दिन का हो जाए तो 45x45 की दूरी पर उसकी रोपाई कर दीजिए और उचित देखभाल करते रहेंगे तो आप नवंबर से दिसंबर में उसके फल प्राप्त होते रहेंगे। इस समय कम सिंचाई या कई कारणों से बोई गई दलहनी फसलों में पत्र लपेटक कीट के लगने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पत्र लपेटक कीट का प्रकोप फसल पर हो जाए तो उसका नियंत्रण कैसे करें और दवा के इस्तेमाल में क्या सावधानी बरते, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। पत्ती को लपेटने वाला कीड़ा जो मरुका कहा जाता है, उसका प्रकोप प्रारंभ हो गया है। उसका प्रकोप से बचाने के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि वो किसी भी जैविक कीटनाशक जैसे कि नीम का तेल का लें और 5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। प्रति कट्ठा कम से कम 30 से 40 लीटर पानी लगावें और बरसात के मौसम में किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करने से आवश्यक है कि उसको धुलने से बचाएँ। तो धुलने से बचाने के लिए मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि किसी भी कीटनाशी या कवकनाशी का छिड़काव करने से पहले उसमें साबुन या शैम्पू की 2 बूंद प्रत्येक टंकी में जरूर मिला लें, जिससे कि घोल को पौधे से चिपकने में आसानी रहे। और पहला छिड़काव नीम के करने के बाद अरहर में जो है आप दूसरा छिड़काव कुनाल फास या क्लोरोपायरीफास का करें, जिससे कि जो फूल आता है, फूल के लगने वाले कीड़े हैं उनको बचाने में सुविधा मिले। हिल पर बीजों की बुआई के लिए किसान नवीन डिबलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। यह उपकरण हिल पर बुआई कार्य को आसानी से निपटने में सक्षम है।
इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य खत्म कर सकते हैं। यह उपकरण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए देखते हैं कि इस किसान ने ऐसा क्या किया कि ये सफल किसान बन गए। हम जो ना अभी वर्तमान सब्जी का खेती करते हैं, हमारा जो ना कि अभी सब्जी से जो ना खेती से जो ना कि अच्छा पैसा आता है, तो उसमें से जो ना कि हमारा परिवार बढ़िया भरण पोषण चल रहा है। हम जो ना कि अभी ग्रेजुएशन तो कर किए हुए हैं, लेकिन जो ना कि नौकरी तरफ उतना हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हमारे घर में जो ना कि खेती लायक बहुत सारी ज़मीन है, तो क्यों सोचे कि बाहर क्यों जाएंगे, हम जो ना कि यहीं पर अपना रोजगार करके जो ना कि अपना जीवन यापन करेंगे। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल, गेहूं और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के मूल्य यथावत हैं। तेलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक नरमी आई है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। आलू और प्याज के दामों में थोड़ी कमी आई है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, समाचार तो बढ़िया बढ़िया राउर सुनाया दिल्ली एकदम नया नया, और हमके बुझाला कि आप तनी हम नया नया जानकारी ले लें राउर से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जानकारी तो लीजिएगा, लेकिन इस समय वक्त है एक छोटे से विराम का। हाँ। लेकिन विराम में जाने से पहले किसान भाइयों और पर्वतिया जी आपसे भी एक सवाल है ना। हाँ, बताओ। ये बताइए कि माघे जाड़ न पूसे जाड़, इसको पूरा कैसे करते हैं हम लोग? ये नागपुरी में आपकी कहावत है ये। हाँ हाँ हाँ, सोच के बताओ विराम के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देखते रहिए कृषि दर्शन, हम मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम कर बात सब देखवैया माना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी हमारे सवाल पहले कर लेती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही सवाल तो सबसे पहले चाहिए। तो मास्टर जी अरे उठी तो जानी रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ, जदाइल होएला। हाँ हाँ दाल ही होता है भाई, और ये बहुत ही उपयोगी दाल है। हाँ। और बल्कि कई बार कहावतों में ये कहा भी जाता है कि साल में कम से कम एक बार अगर आप कुल्थी खा लेते हैं तो पेट संबंधी कई प्रकार की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। हाँ तो उकरे खेती कर बारे में आज बता दो। अरे वाह क्या बात है किसान भाई, सही बात है। और कुल्थी का आजकल प्रयोग भी उपयोग भी काफी बढ़ गया है, तो इसलिए अगर आप कुल्थी की खेती करेंगे तो इसका लाभ भी मिलने वाला है। चलिए कुल्थी की खेती आप कैसे करें इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ श्री परिमल कुमार सिंह जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के एक वैज्ञानिक श्री परिमल कुमार सिंह, ये हमें जानकारी देंगे कुल्थी की खेती कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। परिमल जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। परिमल जी जैसा कि हमने विषय चुना है कि कुल्थी की खेती के बारे में, तो सबसे पहले बताइए कि कुल्थी की खेती कब की जाए, इसका समय कब है? क्या कुल्थी की खेती करने का उपयुक्त समय अगस्त से सितंबर महीने तक है, और यहाँ जहाँ पर जो है खेत में जो है ऊंची जमीन पर इसको लगाया जाता है जहाँ की जल जमाव नहीं हो, वैसी जगह पर यह कुल्थी की खेती की जा सकती है। अब बताइए कि जब कुल्थी की खेती हमारे किसान भाई करें तो खेत की तैयारी कैसे करें, और खेत का चुनाव कौन सा खेत होना चाहिए, और मतलब उटाण होना चाहिए दोन होना चाहिए, और खेत की जुताई कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें? कुल्थी की खेती के लिए टाण जमीन उपयुक्त है, इसमें जो है प्रति जमीन में जहाँ इसमें जो है जल जमाव नहीं होता है वैसे जगह पर यह कुल्थी की खेती बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। और कुल्थी की खेती करने के लिए जो है खेत की देसी हल से दो तीन बार जुताई करके उसको लगा देना चाहिए। जी ये तो हो गई खेत की तैयारी, खेत का चुनाव भी। अब हमारे किसानों भाई बताइए कि कुल्थी का कौन कौन सा प्रभेद है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके? झारखंड के लिए बिरसा कुल्थी एक, दूसरा है मधु प्रभेद, ये दोनों प्रभेद जो है बहुत उपयुक्त है। और जहाँ तक इसका है इसको बुआई करने के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और इससे जो है ये सही उपयुक्त दूरी पर लगाने से जो है इसके लिए यदि किसान भाई लाइन से लगाते हैं तो उसके एक हेक्टेयर के लिए 6 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, और यदि छिड़काव करके लगाते हैं छिड़काव विधि से तो उसमें एक हेक्टेयर के लिए 8 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हो गई मतलब प्रभेद की चुनाव और दर जो है आपने बता दिया। तो अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब हम कुल्थी की वो रोपाई करेंगे यानी कि रोपाई करेंगे तो छिड़काव विधि से, तो उस समय उर्वरक कितना उर्वरक देना चाहिए और कौन कौन सा उर्वरक देना चाहिए? जहाँ तक उर्वरक की बात है इसमें जो है जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, एक हेक्टेयर के लिए करीब 200 क्विंटल जैविक खाद की आवश्यकता पड़ती है। इससे है क्या खेत की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, और उसके साथ साथ जो है उर्वरक के रूप में रासायनिक उर्वरक के रूप में जो है उसके लिए यूरिया DAP पोटास की आवश्यकता पड़ती है। यूरिया एक हेक्टेयर के लिए 25 किलो, पोटास 34 किलो प्रति हेक्टेयर, और DAP 45 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए खेत की अंतिम जुताई के समय। ये तो हो गई उर्वरक की बात। अब जैसा कि आपने बताया कि अगस्त और सितंबर में लगाना चाहिए, तो मुख्यतः इन दोनों महीनों में तो वर्षा होती ही है, अगर वर्षा ना हो तो हमारे किसान भाई किस रूप से सिंचाई करें? वर्षा ये जो है खास तौर से ऐसे समय में लगता है जिस समय मैंने इसमें बहुत कम ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे यदि सिंचाई यदि देना चाहते हैं तो यहाँ झारखंड में वैसी सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, और किसान वैसे ही ज़मीन पर लगाते हैं जहाँ की इसमें जो है आराम से जो इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो है जल जमाव नहीं होना चाहिए जहाँ तक ये बात है इसमें, इसलिए इसमें सिंचाई नहीं के बराबर करते हैं हमारे यहाँ झारखंड, और उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आपने जो जिन जिन किस्मों का चर्चा की अभी, तो वो किस्में कितने दिनों में मतलब तैयार हो जाती है, पक कर तैयार हो जाती है? ये दोनों किस्में बिरसा कुल्थी एक और मधु, ये दोनों ही 100 से 105 दिन में तैयार हो जाता है, और इसमें जो तैयार होने के बाद इसका जो समयानुसार इसकी कटाई करनी चाहिए जो है। जी अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कुल्थी में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसका निदान क्या है, और हमारे किसान भी कैसे पहचाने इसको? कुल्थी में जहाँ तक है इसमें कीड़े तो बहुत कम लगते हैं, इसमें जैसे खेत में जैसे लगाने के समय जैसे दीमक का प्रकोप जड़
काटता है दीमक वगैरह, तो इसके लिए खेत की अंतिम जुताई के समय 25 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से लिंडेन धूल का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है क्या, इसमें बिहार हेयरी कैटरपिलर लगता है, इसके लिए जो है यहाँ मान जो दवा यहाँ प्रयोग की जाती है उसके लिए ब्यूटा क्लोर दवा जो है करीब 50 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक है इसमें रोग तो नहीं के बराबर लगता है इसमें जो है, और कीड़ा ही लगता है, और कीड़ा जो लगता है तो उसमें जो बिहार हेयरी कैटरपिलर यही मुख्यतः यहाँ कीट लगते हैं, और इसका निदान के लिए जो ब्यूटा क्लोर जो है 50 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करना चाहिए। जब ये आपने बताया कि जब ये इसकी कटाई करें तो कैसे करें जब ये पक जाए तो, और इसका क्या भंडारण इसका कैसे कर सकते हैं? जब पौधा इसका पीलापन पड़ जाए तो वैसे समय में जो है इसकी कटाई की आवश्यकता पड़ती है। उसका कटाई करने के बाद इसको जो है धूप में सुखा देनी चाहिए, और धूप में सुखाने के बाद उसको डंडे के सहारे जो उसको पीट करके दाना को अलग कर लेना चाहिए, और यह देखना दाने को अच्छी तरह से इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि नहीं तो बाद में जो है उसमें दिक्कत होती है जो है, इसलिए इसको जो है समयानुसार जो है उसको डंडे से पीट करके उसको भंडारण करना चाहिए, और वो उसमें नमी है या नहीं, नमी नहीं के बराबर है तो उसके लिए जो है उसको दांत देख लेना चाहिए जो है हमारा भंडारण के लायक हो गया है, और उसको धूप से लाने के बाद तुरंत ही उसको भंडारण करके नहीं रखना चाहिए, उसको कुछ देर छाया में रखने के बाद तब उसको भंडारित करना चाहिए बीज को। अच्छा, मतलब उसको रखने के लिए। अब कुल्थी, हमारे किसान भाई चूँकि कुल्थी का प्रचलन अब आ रहा है, तो कुल्थी का दाल हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और किस रूप से? कुल्थी का दाल जो है या कुर्थी भी, दोनों ही जो है बहुत ही फायदेमंद है। जहाँ तक कि जिस मनुष्य को यदि किडनी में यदि स्टोन हो जाता है तो उसे बहुत यह लाजवाब दवा है, इससे बढ़कर रामबाण दवा नहीं है दूसरी। इसके लिए है क्या, कुल्थी को जो है रात में फूलने दे देना पड़ता है, उसके बाद फूलने के बाद जो उसका पानी होता है उस पानी को पी जाने से जो है उसका जो स्टोन जो है उसका वो स्टोन को वो दूर कर देता है, और जो छाने के बाद जो पानी के बाद जो बच गया कुल्थी उसका चटनी बनाकर खा सकते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर इसको दाल के रूप में खाएं तो, चूँकि ये तो बिल्कुल दलहनी चीज़ है, और यदि हमारे किसान भाई इसको दाल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनस मिलता है, और दूसरा यह जो है शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है जी। और चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कुल्थी के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? यह जो यहाँ जो झारखंड में यह जो प्रभेद है, यह दोनों प्रभेद जो है, इस दोनों प्रभेद से उपज जो है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है, और ये यहाँ की मिट्टी में जैसे दूसरा फसल नहीं होता है वैसी स्थिति में यदि हमारे किसान भाई इस समय यदि जो किसान खेत परती रह गया है उसमें यदि ये लगावें जो है तो इससे मैंने बहुत ही ज़्यादा लाभ है। इसमें दलहनी के रूप में इसको अपने मैंने खाने में प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है यह एक आमदनी का जरिया भी हो सकता है, तो इससे हमारा यह कहना है ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, और खेत की उर्वरा शक्ति भी इससे बढ़ जाती है, जिसके बाद जो भी फसल हमारे किसान भाई लगाएंगे उसमें उपज में भी जो है करीब सवैया का बढ़ोतरी होती है। तो देखा किसान भाइयों, ये प्रोत्साहन राशि मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल लेना ना भूलें। आपने कुल्थी की खेती के बारे में सुना और जाना और लाभान्वित हुए। परिमल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, ये जो कुल्थी दाल कर खेती रहे तो बड़ा बढ़िया से जानकारी मिल गया, और हमको उछाला कि जितना किसान भाई बहन मन करे खोजबे से मन बढ़िया से हम फायदेमंद खेती कर रहे थे, और हमको लगता है कि हमारे किसान भाई जो है वो हमारा जो सवाल है वो भी सोच रहे होंगे, लेकिन हाँ। इस समय वक्त है आपके दूसरे सवाल। हाँ मास्टर जी, तो हम जाने खोजत रही कि ये एक ठो बड़का वाला मरचाई हो ना शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बिल्कुल, हाँ तो उकर खेती अगर करे खोजबे किसान भाई तो के कैसे करबे? बहुत ही अच्छी बात है। तो किसान भाइयों देखिए, हमारा जो झारखंड राज्य है इसमें हमारे बहुत सारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करते हैं, और इसका आजकल व्यावसायिक उपयोग आप जानते हैं कि शिमला मिर्च की मांग और उसकी कीमत बाज़ार में हमेशा अच्छी रहती है, तो इसकी खेती करने से काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है। आप इसकी खेती कैसे करेंगे, खास करके वैज्ञानिक ढंग से कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पर्वतिया जी, चलते हैं अपने जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह जी, उनसे बात करते हैं और लेते हैं ये जानकारी कि शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती आप कैसे करें। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है जयनगर कोडरमा में, कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के कृषि वैज्ञानिक उद्यान विभाग के हैं भूपेंद्र सिंह जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों का आप ये बताएं कि शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि इसका महत्व क्या है। किसान भाई नमस्कार, जैसा कि आपने पूछा, शिमला मिर्च की खेती एक अधिक मूल्यवान सब्जियों की खेती में आती है। जैसे हमारे किसान भाई खेती करते हैं और काफ़ी पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसी खेती करें जिससे अधिक मुनाफा हो। सब्जियों की खेती में शिमला मिर्च का प्राइस जो रेट रहता है हमेशा मार्केट में अधिक रहता है, तो अभी रेट जो मार्केट में 100 रुपये किलो, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, तो ऐसी खेती करने से अधिक लाभ होता है। तो महत्व के बारे में बात करते हैं, इसका जो हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हम फास्ट फूड जो होटल्स में आता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, और अचार के रूप में प्रयोग करते हैं, सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब इसका बहुत बड़ा महत्व है शिमला मिर्च की खेती का। तो शिमला मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारी ज़मीन उपयुक्त है कि नहीं, हमारा मौसम कौन सा है, किस मौसम में बोया जाए। ये छोटी छोटी जानकारी किसान रखेंगे तो उनको अधिक मुनाफा होगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको उसके लिए कौन सा मौसम रहता है। तो शिमला मिर्च की खेती जैसे कि नाम से विदित है, आप समझ रहे, शिमला मिर्च पहले शिमला में हुआ करती थी या पहाड़ों की ये सब्जी थी। धीमे धीमे वैज्ञानिक खोजों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसमें मेहनत की, ब्रीडिंग किया, तो आके ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो कि प्लेन में भी हो रहा है और हमारे झारखंड में भी हो रहा है। और कोडरमा की बात करते हैं, यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, बड़ी अनुकूलन है यहाँ के लिए। तो अगर किसान भाई शिमला मिर्च की खेती झारखंड में करते हैं तो काफ़ी अधिक मात्रा में लाभ ले सकते हैं। इसके मौसम की बात करते हैं तो इसके मौसम के लिए इसका तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहता है, परंतु अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम जाता है तो शिमला मिर्च की खेती में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये तो रही मौसम की बात। अब आती है मिट्टी, तो मिट्टी की बात करते हैं, इसके लिए ऐसी बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसका पीएच मान 7.5 पीएच रहे, वो जो मिट्टी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसमें कार्बनिक मात्रा रहे। कार्बनिक मात्रा से मतलब होता है उसमें पानी सोखने की क्षमता हो, जैसे बालू की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर हो, जिससे क्या होगा उसमें उसकी बढ़वार वृद्धि अधिक होगी। ऐसे मिट्टी का अगर हम चयन कर लेते हैं और जलवायु हमारी परिपेक्ष में होती है तो दोनों अगर एक अनुकूलन आते तो हमारा मुनाफा और लाभ अधिक होता है। तो ज़मीन हम चयन कर लेते हैं और हमने अब उसका भी तैयारी, मौसम भी हमारे अनुकूलन है। फिर बात करते हैं बीज की, तो अब बात आती है कौन सा बीज हम लें। तो ऐसी प्रजातियों का चयन करेंगे जो हमारे अनुकूलन हो, हमारे झारखंड के अनुकूलन हो, हमारे मौसम के अनुकूलन हो। होने को तो बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर प्रजातियां अनुकूलन हैं वो है भारत, नव भारत, महाभारत, कैलिफोर्निया वंडर, इंदिरा, और इसमें पीली शिमला मिर्च भी होती है। पीली शिमला मिर्च में आती है स्वर्णा, और एक लाल शिमला मिर्च होती है उसमें आती है नताशा और आपका बॉम्बे। ये हमारी कलर कैप्सिकम में आ जाती है, रंगीन शिमला मिर्च की में आ जाती है। इसका कि ज़्यादातर हमारा प्रयोग होता है सलाद के रूप में और हमारा फास्ट फूड चाइनीज़ फूड के रूप में यूज होता है। ये तो इसकी प्रजातियाँ हुई। अब आती है इसकी बीज की बुवाई का समय, यानी हम कब बीज बोएं जिससे हमको अधिक लाभ मिले। बीज हम लोग क्या करते हैं, अगस्त से ही किसान शुरू कर देते हैं बोना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसको ले जाते हैं। बट हमको देखना होगा अनुकूलन समय क्या है, तो इसका जो अनुकूलन समय है वो सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में इसकी नर्सरी जो है अच्छे तरीके से पनपती है। सितंबर के महीने में अगर हम इसकी नर्सरी डाल देते हैं बीज की, तो ये हमारा 30 से 35 दिन में पौधा लगाने के योग्य हो जाता है, जिसके लगाने के बाद हमको अधिक मुनाफा होता है। तो लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जिस ज़मीन में नर्सरी डाल रहे हैं, नर्सरी एरिया जो हमारा, उसका प्रबंधन कैसे करें, यानी हमारी जो ज़मीन है, हो सकता है वहाँ पहले से बैक्टीरिया, वायरस या कोई जीवाणु रहा हो जिससे हमारी फसल इन्फेक्टेड हो जाती है, बीमारी ग्रस्त हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस ज़मीन को अच्छी तरह जोत लेंगे। जोतने के बाद एक दवा आती है फॉर्मल्डिहाइड, और उस फॉर्मल्डिहाइड में 2 ml 1 लीटर के हिसाब से घोल बना लेंगे और ज़मीन में डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होगा, उसमें जितने भी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो हो रहे होंगे, फंगस, पहले सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उसकी गुड़ाई कर देते हैं और उसमें गोबर की प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद डालते हैं, जिससे हमारी ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, तब हम उसमें बीज डालते हैं। अब बात आती है बीज डालते हैं, तो बीज किस कैसे डालें। किसान भाई छिटकवा विधि से बीज डालेंगे, जैसे बीज लेते हैं छिटक देते हैं, उसमें क्या होता है कि बीज में कंपटीशन हो जाता है। एक बीज जहाँ एक बीज निकलेगा, कहीं 10 बीज निकलते हैं। बीज पर्याप्त मात्रा में एक स्थान से नहीं आते हैं, इसकी दूरी पर्याप्त नहीं रहती है, जिससे लिहाजा आगे चल के होता है कि हमारे बीज जो पौधशाला में उगे हैं वो कमज़ोर हो जाता है पौधा हमारा। जब उसकी रोपाई करते हैं तो उस पर बहुत सारे रोग और कीड़े लग जाते हैं। इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, या तो हम जो नर्सरी बेड हमने बनाई है उसमें बीज की पर्याप्त मात्रा दूरी बनाएँ, या हम अपने प्रोट्रे में पौधे तैयार करें। अब जैसे ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और बीज की गहराई का किसान भाई बड़ा ध्यान देंगे।
जैसे बीज की दूरी बात करते हैं, हमारा एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 3 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 सेंटीमीटर किसान भाई रखेंगे। अगर इस तरह से बीज को हम नर्सरी में डाल देते हैं तो हमारे बीज को पर्याप्त मात्रा में दूरी मिल जाती है, जिससे हवा का आगमन ज़्यादा होता है, उसको पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है। उससे क्या होगा, पोषक तत्व मिलेगा तो हमारा पौधा की बढ़वार ज़्यादा होगी, बढ़वार ज़्यादा होगी तो उसमें रोग और कीड़े कम आएंगे क्योंकि वो स्वस्थ पौधा होगा। जब उसको हम खेत में ले जाते हैं तो हमारे पौधे पर लगने वाले रोगों की तादाद कम हो जाती है और किसान को मुनाफा ज़्यादा होता है। और दूसरा, जैसे हमने बताया आपको पहले कि अभी नर्सरी हम ज़मीन में भी तैयार कर सकते हैं, प्रोट्रे में भी तैयार कर सकते हैं, और प्रोट्रे में अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें एक ट्रे आती है, प्लास्टिक की ट्रे जिसे बोला जाता है, वैज्ञानिक भाषा में उसको प्रोट्रे बोलते हैं हम लोग, तो उसमें एक मीडिया भरा जाता है, मीडिया जैसे माध्यम गोबर की खाद और आपकी उपजाऊ ज़मीन की मिट्टी, बर्मी कंपोस्ट, पत्ती की खाद, नीम की खली, इन सब मात्रा को बराबर बराबर मात्रा में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हल्का पानी छींट देते हैं और उसको मीडिया को ऐसे मिलाते हैं जैसे सीमेंट और बालू मिलाते हैं, उसको ऐसे मिला के हल्का पानी लगा के उसको ट्रे में भर देते हैं। ट्रे खाने छोटे छोटे खाने रहते हैं और भरने के बाद एक खाने में एक बीज हम डालते हैं और उसको ढक देते हैं। उससे लाभ ये होगा कि हमें जल्दी से हमारी जो पौधे हैं तैयार हो जाएगी, उसमें कम पानी लगेगा और खाद की मात्रा में बचत होगी, समय में बचत होगी और फूल और फल एक समय पाएंगे जिससे मार्केटिंग करने में सुविधा होगी। लिहाजा हम प्रोट्रे में नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को अधिक लाभ मिलता है और समय पर उसकी रोपाई कर पाता है, जिससे बाज़ार में अधिक मूल्य पर उनकी सब्ज़ी बेची जा सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बुआई का समय क्या होगी? जैसे समय की बात करते हैं तो हम शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है वो सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक हम पौधशाला में अपना बीज डाल देते हैं जो कि 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। और दूसरी बात आती है बीज की मात्रा। जब बीज की बात मात्रा की बात आती है तो दो तरह का बीज आता है बाज़ार में, एक हाइब्रिड होता है एक ओपन होता है। तो हाइब्रिड बीज हमारा 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा, यानी एक हेक्टेयर में 250 ग्राम बीज की मात्रा लगेगी। और ओपन की बात आ रही है तो ओपन बीज 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे अब बीज आपने डाल दिया, जब पौधा भी रोपाई कर दिया, तो उस समय आप जब खेत में पौधे लगा रहे होते हैं तो उस समय छोटी छोटी एक चीज़ आती है ध्यान देने वाली है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितना रखें। हम लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पौधे का उचित वृद्धि और विकास होगा। और एक चीज़ और देखेंगे कि हम खाद और उर्वरक कितना दें। खाद उर्वरक की हम बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में हमारा जो है 100 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर देंगे और 20 टन FIM यानी फार्म याल मैन्योर गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में डालेंगे, जिससे क्या अच्छा वृद्धि और विकास होगा। तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इनके सुझाव से आप खेती करेंगे तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी और मुनाफा भी अधिक कमाएंगे। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, नमस्कार। तो मास्टर जी, हमारे दोनों सवाल का जवाब तो बड़ा बढ़िया से बढ़िया जानकारी के साथ मिल गया, और हमें लगता है कि अभी जो है हमने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब आपको काला के तो कही रही जाड़ न पूछे जाड़। का तो कहे ना के जो हवा चले बतास कहे, जब बतास चलेगा तब जाड़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। तो हमारे झारखंड के जो किसान भाई हैं वो भी जरूर ये कहावत कहते होंगे कि न माघे जाड़ न पूछे जाड़, जबे बतास तबे जाड़। तो इस प्रकार आप मौसम के बारे में जो कहावतें हैं वो जानकारियां देती हैं। और जानकारियां किसान भाइयों आपके पास भी बहुत सारी होंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि उन जानकारियों को आप हम तक पहुँचाएँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें खत लिखें। तो खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो इस पते पर आपके सुझाव का, आपकी जो समस्याएं हैं उनका हम करेंगे बहुत बहुत स्वागत। लेकिन ये अब समय है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी टीम को यही दीजिए अनुमति। जोहार।